बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आर यू रेडी विद योर साइंस बुक? ओपन एट पेज नंबर 35, चैप्टर नंबर 6, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट व्हाई एंड हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर टूडेज लेक्चर आर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक and will learn about their different environment in which they live. Okay, let's start reading. Animals are classified on the basis of the characteristics they possesses. जानवर को उनकी खसूसियात के बना पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है. First of all, we will study about the feature of animals living in the cold surroundings. सबसे पहले हम उन जानवरों की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे जो कि सर्द जगहों पर रहते हैं. सम एनिमल्स हैव फर ऑन देयर बॉडी, कुछ जानवरों के जिस्म पर बाल नुमा खाल होती है. फर कहते हैं बाल नुमा खाल को. इट कीप्स देम वार्म अगेंस्ट कोल्ड वाटर, ये खाल इनको सर्द मौसम में गर्म रखती है. दीज एनिमल्स लिव इन कोल्ड प्लेसेस, इस तरह के जानवर सर्द जगहों पर रहते हैं. As you can see in your book, examples like polar bear, wolf, chukor, pigeons, etc. You can see fur on their body which keep them warm in cold places. Okay, students, fur is often used to make clothes for human beings. जानवरों की इस बाल नुमा खाल को अक्सर इंसानों के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Many animals are hunted for this purpose. इस मकसद के लिए बहुत से जानवरों का शिकार किया जाता है. Students, do you know which bird is the national bird of Pakistan? Yes, chukor is the national bird of Pakistan. Now we will study the features of those animals live in water. Some animals live in water. कुछ animals पानी में रहते हैं, जैसा कि fish. Fish is a water animal. Fish पानी में रहने वाला जानवर है. It has fins which keep it to swim. Fish पानी में अपने परों के जरिए से तैरती है. Fish can breathe inside water through their gills. मछली पानी में अपने gills के जरिए से सांस लेती है. Student, do you know what are gills? गिल्स पानी में रहने वाले जानवरों के वो अज़ा होते हैं जिनके ज़रिए से वो पानी से ऑक्सीजन को हासिल करती है. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब हम उन जानवरों की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे जो कि पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं. सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कुछ एनिमल्स ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं. They have webbed feet which help them to swim in water. इनके झिल्लीदार पंजे होते हैं जिसके ज़रिए से ये पानी में तैरते हैं. As you can see in your book, the examples like turtle, frog, crocodile, etc. Okay, students, this is all about for today. We will meet in the next video.